नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं सैफी 24 न्यूज का हमारा ये खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश लखनऊ से सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के संविदा पर काम करने अधिकतम आयु सीमा तय कर दी गई है। अब सामान्य शिक्षकों की तरह भी शिक्षा मित्र भी अधिकतम 60 साल तक सेवा निर्मित होंगे। हालांकि पूर्व की तरह उनका हर साल नवीनीकरण भी किया जाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के अनुसार शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन को स्वतः समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षा मित्र योजना क्रियान्वयन के संबंधित पूर्व में जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। वर्ष 1999 में नियमित शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों में संविदा पर शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई थी। इस समय उनकी संख्या 1.46 लाख के करीब है। धीरे धीरे इनका मानदेय बढ़ाया गया और 2014 में ट्रेनिंग आदि के माध्यम से पहले बैच के शिक्षा मित्रों को समायोजित भी किया गया है। हालांकि बाद में इनका समायोजन निरस्त कर दोबारा मानदेय पर ही कार्य किया जाने लगा। शिक्षा मित्रों को 11 माह का मानदेय दिया जाता है और हर साल विभाग द्वारा नवीनीकरण भी किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मित्र 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय पा रहे हैं। शिक्षा मित्रों को 11 माह का मानदेय दिया जाता है और हर साल विभाग द्वारा नवीनीकरण किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मित्र 10,000 रुपये का प्रति माह मानदेय पा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने उनको लगातार फायदा देने के लिए ये नई योजना निकाली है। शिक्षा मित्रों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 20 फरवरी को लखनऊ में महासम्मेलन का निर्णय लिया है। इससे शिक्षा मित्र अपने परिजनों के साथ शामिल होंगे। सम्मेलन की सफलता के लिए वे राज्य कर्मचारी संघ से भी संपर्क बनाए हुए हैं ताकि उनकी मांगों को और मजबूती दी जा सके।